हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनअकैडमी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस, कैसे हो आप सभी? गुड मॉर्निंग विभू, शशांक, संदीप, चित्रंजन, प्रवीण, जयंती, सभी को गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हो आप सभी? गाइस आज हम बहुत इंपॉर्टेंट सेशन डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे सिलेबस में जो हम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाला जो टॉपिक है, कौन सा? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वाला जो टॉपिक है हमारे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का, उस टॉपिक को आज मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। आज हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, उसको आज डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। तो सबसे पहले आप सभी क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कर दो, जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें प्लीज एक बार वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, सभी एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप्स हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, स्पेशल सेशन है दोस्तों आज आपके लिए मैं लेके आया हूं, जिसमें आज हम जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनको एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो प्लीज एक बार सभी लोग इसको शेयर करो और चलते हैं आगे गाइस। सबसे पहले दोस्तों आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है, 11:30 पे आज अपना सेशन है, जिसमें मैं अपनी जीआरएफ की जर्नी आपके साथ साझा करूंगा। तो सभी लोग इस सेशन को अटेंड कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आज होने वाला है दोस्तों। आदिति मैम के द्वारा इंटरव्यू है दोस्तों, ये काफी इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार सेशन होगा। तो आप सभी लोग इस सेशन को अटेंड करें जस्ट 11:30 पे। उसके बाद में ये अपना टेलीग्राम चैनल है, यहां से आप मेरे से जुड़ सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हो यहां से क्लियर कर सकते हो दोस्तों। चलो अब चलते हैं दोस्तों आगे। अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो क्या डिस्कस करने वाले हैं? अभी डिस्कस करने वाले हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वाले जो भी आपके टॉपिक्स होते हैं वो सारे के सारे इसमें आते हैं दोस्तों। तो प्लीज एक बार फिर से वीडियो को बोल रहा हूँ, फिर से शेयर करो, लाइक करो, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, काफी लोगों की मदद करने वाला है ये सेशन दोस्तों। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों कि नेशनल पार्क क्या होता है ना। आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहुत एकदम बहुत बेसिक से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहली चीज है दोस्तों कि नेशनल पार्क क्या होता है। तो नेशनल पार्क क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान जिसको हम बोलते हैं दोस्तों। तो राष्ट्रीय उद्यान किसको बोलते हैं? इट इज एन एरिया प्लेस्ड अंडर पब्लिक कंट्रोल, द बाउंड्रीज ऑफ विच शैल नॉट बी अल्टर एक्सेप्ट बाई कॉम्पिटेंट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। यानी एक ऐसा एरिया जो पब्लिक कंट्रोल में हो और उसकी बाउंड्रीज डिसाइड कर दी जाती हैं दोस्तों, और बिना किसी अथॉरिटी के उसकी बाउंड्रीज को चेंज नहीं किया जा सकता। यानी विदाउट कॉम्पिटेंट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के द्वारा उसकी बाउंड्री को चेंज नहीं किया जा सकता, ये होता है मेरा नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में दोस्तों हमारे देश में कितने नेशनल पार्क है? हमारे देश में दोस्तों लगभग अप्रोक्सीमेटली 94 नेशनल पार्क है, है ना। और वहां पे दोस्तों ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर गिवन लीगल प्रोटेक्शन, उनको वहां पे लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है। ह्यूमन एक्टिविटी सच एज हंटिंग, ग्रेजिंग, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो नेशनल पार्क होते हैं दोस्तों वहां पे हंटिंग, ग्रेजिंग, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग ऑफ फॉरेस्ट, ये सारी की सारी प्रोहिबिट होती है दोस्तों। काफी रेस्ट्रिक्शन होती है नेशनल पार्क में यानी राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों हिस्ट्री ऑफ नेशनल पार्क को देखें तो यहां इसकी जो कहानी शुरू होती है दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान की यानी नेशनल पार्क बनने की जो कहानी शुरू होती है वो 1936 में यहां से शुरू हो जाती है, जब दोस्तों सबसे पहला जो नेशनल पार्क बनता है वो कौन सा बनता है? हेले नेशनल पार्क। कौन सा बनता है गाइज? हेले नेशनल पार्क दोस्तों बनता है, हमारा सबसे पहला नेशनल पार्क बनता है 1936 में दोस्तों। हेले नेशनल पार्क बनता है कहां पे? यूनाइटेड प्रोविंस में बनता है। इन इंडिया अ स्टेट गवर्नमेंट कैन कंस्टिट्यूट अ नेशनल पार्क इन स्टेट लेजिस्लेचर प्रेफरेबली सब्जेक्ट टू सर्टेन स्टैंडर्ड्स। यानी नेशनल पार्क को कौन क्रिएट कर सकता है दोस्तों? स्टेट गवर्नमेंट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश कर सकती है। कौन स्टेट कर सकती है? स्टेट गवर्नमेंट दोस्तों नेशनल पार्क को क्या कर सकती है? स्थापित कर सकती है, और वहां पे कुछ कंडीशंस होती हैं जो उसको फुलफिल करनी होती है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट नेशनल पार्क को स्थापित कर सकती है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, यानी सेंचुरीज क्या होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है, इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद में हम जो इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे दोस्तों। ये एक एरिया होता है वेयर किलिंग, हंटिंग, शूटिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनी स्पीसीज
ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल इज प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट और बाय अंडर द कंट्रोल ऑफ हाईएस्ट अथॉरिटी इन द डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सेंचुरीज। यानी वहां पे हंटिंग, किलिंग और शूटिंग सारे प्रोहिबिटेड होते हैं दोस्तों। उसके लिए आपको क्या करनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है हायर अथॉरिटीज से दोस्तों। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद में दोस्तों टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो 502 हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, और उसमें से कुछ टाइगर रिजर्व भी दोस्तों होते हैं। लीगलाइज प्रोटेक्शन इज ऑफर ओनली फॉर एनिमल्स, यहाँ पे सिर्फ एनिमल्स को लीगलाइज प्रोटेक्शन मिलता है दोस्तों। और ह्यूमन एक्टिविटीज यहाँ पे परमिटेड होती है लेकिन सर्टेन कंडीशंस के द्वारा यहाँ पे परमिटेड होती है। यानी सर्टेन कंडीशंस लगती है उसके बाद उनको यहाँ पे एक्टिविटीज करनी दी जाती है दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, सबसे पहले कोई भी सेंचुरी होती है उसको सबसे पहले हम बर्ड सेंचुरी होती है, देन उसका स्टेटस मिलता है दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क का। सबसे पहले बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर करते हैं, देन उसको नेशनल सेंचुरी नेशनल पार्क का स्टेटस मिलता है दोस्तों। इसका एग्जांपल है बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों केलादेव नेशनल पार्क। पहले दोस्तों केलादेव नेशनल पार्क क्या हुआ करता था, ये एक हुआ करता था बर्ड सेंचुरी, देन उसको स्टेटस मिला नेशनल पार्क का दोस्तों। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखिए। और गाइस प्लीज एक बार वीडियो को शेयर कर दो। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं जो मेन हमारे नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं गाइस। तो प्लीज एक बार सभी लोग इसको शेयर करो, अपने ग्रुप में शेयर करो दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको दो मैप बताऊंगा दोस्तों। पहला मैप होगा मेरा नेशनल पार्क का और दूसरा मैप होगा मेरा किसका, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। तो मैंने आपको बताया दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 94 नेशनल पार्क है मेरे भारत में और अप्रोक्सीमेटली 500 आपकी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी 502 कितनी है दोस्तों, 502 आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो आज हम जो मेन है हमारी उन सबको डिस्कस करेंगे। इस मैप को आप अच्छे से देख लीजिएगा गाइस, मैं साथ के साथ में मैप के थ्रू आपको सारी की सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क करवाने वाला हूं दोस्तों। नाउ अब चलते हैं आगे। जो पहला दोस्तों आपको बताता हूं कि इसकी इंपोर्टेंस क्या है, इसकी इंपोर्टेंस है दोस्तों हमारे यहाँ पे ये बहुत एक जो फ्लोरा और फौना है यानी जो हमारे एनिमल किंगडम है, जो प्लांट किंगडम है, उसकी बहुत सारी वैरायटीज इस नेशनल पार्क में मिलती है। बहुत सारी एंडेंजर स्पीसीज इसमें मिलती है, जैसे एशियाटिक एलिफेंट मिलता है, रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है, स्नो लेपर्ड मिलता है, साइबेरियन क्रेन मिलती है, ये सारी की सारी हमारे यहाँ पे मिलती है दोस्तों। तो सबसे पहले आपके सामने है दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलो शुरू करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के। तो सबसे पहले दोस्तों है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो दोस्तों ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, जो कब स्थापित हुआ था, 1936 में दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था हेमिस, जो इसको बोलते हैं, कौन सा पार्क बोला था दोस्तों मैंने, एक बार सभी लोग बताइए। जो फर्स्ट सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था आपको, फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था, बताओ फटाफट से दोस्तों, जल्दी से बताओ। हेली नेशनल पार्क, यार हेली नेशनल पार्क मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो हेली नेशनल पार्क को ही हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोलते हैं, हेली नेशनल पार्क, याद आया, हेली नेशनल पार्क। ओके, यस, ग्रेट। ये दोस्तों ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है और कहां पे लोकेटेड है, उत्तरांचल में है दोस्तों। उत्तरांचल में कहां पे है दोस्तों, ये रहा मेरा हेमिस नेशनल पार्क, याद आया, ये है मेरा हेमिस नेशनल पार्क दोस्तों। और द प्राइड ऑफ इंडिया ग्रेट टाइगर कैन बी स्पॉटेड हियर। यहाँ पे क्या क्या मिलता है दोस्तों, ग्रेट टाइगर यहाँ पे मिलते हैं, इंडियन पेंगोलिन यहाँ पे मिलती है, कॉमन मक्स श्रू यहाँ पे मिलता है, वाइल्ड बोर मिलती है, सामर फ्लाइंग फॉक्स मिलता है यहाँ पे। तो ये सारे के सारे एनिमल यहाँ पे मिलते हैं। सबसे पहली चीज क्या याद रखनी है, ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हेली नेशनल पार्क बोला करते थे, अब इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोलते हैं। ये इसकी लोकेशन है दोस्तों, 1936 में इसका स्थापना हुई थी दोस्तों। अब देखो यहाँ पे क्या क्या मिलता है, हमने बात किया वाइल्ड बोर, है ना, और क्या क्या मिलता है दोस्तों, इंडियन पेंगोलिन यहाँ पे मिलते हैं, है ना, ये भी हमने बात की है ना। उसके बाद दोस्तों ये देखिए इंडियन पेंगोलिन यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, काफी फ्लोरा एंड फौना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये था मेरा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद में दोस्तों है मेरा काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है दोस्तों, सबसे पहले तो इसकी लोकेशन देख लो, इसकी लोकेशन है दोस्तों असम में। कहाँ पे है काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में दोस्तों, ये मेरा असम है और यहाँ पे है मेरा काजीरंगा नेशनल पार्क, याद आया। अब दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क में क्या मिलता है, इट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर इन द वर्ल्ड। जो रॉयल बंगाल टाइगर मिलते हैं दोस्तों कहां पे मिलते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क में, रॉयल बंगाल
टाइगर जो मिलते हैं वो काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलते हैं दोस्तों, ये याद रखना आपको, भूलना नहीं है गाइस, है ना। और इट आल्सो होस्ट टू थर्ड ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट वन हॉर्न राइनो, यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको राइनो भी मिलते हैं दोस्तों, इंडियन एलिफेंट भी मिलते हैं, वाइल्ड वाटर बफेलो मिलता है, स्वैम्प डियर यहाँ पे मिलता है। ओके गाइस, देखो ये मेरा इंडियन एलिफेंट हो गया दोस्तों, ये वन हॉर्न राइनो हो गया मेरा, ये कहां पे मिलते हैं, सारे के सारे मिलते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में दोस्तों, ठीक है। स्वैम्प डियर भी यहाँ पे मिलती है, वाइल्ड बफेलो भी यहाँ पे मिलते हैं, तो ये सारे के सारे जानवर कहां पे मिलेंगे दोस्तों, मेरा काजीरंगा नेशनल पार्क में मेरे देखने को मिलेंगे। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट आता है मेरा सुंदरबन नेशनल पार्क। तो सुंदरबन नेशनल पार्क आपको पता है दोस्तों, नाम से ही पता है, सुंदर है, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे सुंदरी वृक्ष मिलते हैं, है ना, इसलिए इसका नाम सुंदरबन पड़ गया दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों ये कहाँ पे लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। तो देख लेते हैं कहाँ पे लोकेटेड है दोस्तों, ये रहा मेरा वेस्ट बंगाल और यहाँ पे है मेरा क्या, सुंदरबन नेशनल पार्क दोस्तों। तो यहाँ देखिए आप, ये कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, और यहाँ पे क्या मिलते हैं, लार्जेस्ट रिजर्व होम फॉर रॉयल बंगाल टाइगर मिलते हैं यहाँ पे, है ना, और हैबिटेट ऑफ मेनी टॉक्सिक रेप्टाइल्स इन इंडिया, यहाँ पे बहुत सारे रेप्टाइल्स भी मिलते हैं दोस्तों, इंडियन कोबरा भी यहाँ पे मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसकी लोकेशंस, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। तो एक बार मेरे को सभी थम्स अप करके बता दो दोस्तों, आपको समझ में आ रही है ना सारी चीजें, अगर समझ में आ रही है तो गाइज एक बार प्लीज वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उसमें प्लीज वीडियो को एक बार शेयर कर दो दोस्तों। ये देखो यहाँ पे क्या मिलता है, ये है मेरा रॉयल बंगाल टाइगर, क्या है दोस्तों, ये मेरा रॉयल बंगाल टाइगर है। मैंने बताया ना बहुत सारे पॉइजनस स्पीसीज भी यहाँ पे मिलते हैं, देखो ये स्नेक है, है ना, देखो बहुत सारे पॉइजनस स्पीसीज भी यहाँ पे मिलते हैं, स्नेक्स मिलते हैं, अजगर मिलते हैं यहाँ पे, और मेन जो फोकस है, मेन जो सेंटर पॉइंट है दोस्तों, वो क्या है, यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है मेरा, ये याद रखेगा, भूलना नहीं है दोस्तों। नाउ उसके बाद में दोस्तों मेरा क्या है, कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है दोस्तों, मध्य प्रदेश में है, और ये एक टाइगर रिजर्व भी है, है ना। तो देखो कान्हा नेशनल पार्क दोस्तों मेरा कहाँ है, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं दोस्तों कहाँ पे है, ये रहा मेरा कान्हा नेशनल पार्क, दिख रहा है ना दोस्तों, यहाँ पे टाइगर टाइगर दिख रहा है बना हुआ, तो ये है मेरा कान्हा नेशनल पार्क। अब आप देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिला है मेरे को, यहाँ पे मेरे को क्या मिला है, रॉयल बंगाल टाइगर मिलते हैं दोस्तों, टाइगर लेपर्ड मिलता है मेरे को, उसके बाद में इंडियन वाइल्ड डॉग मिलता है। क्या क्या मिला है मेरे को, रॉयल बंगाल टाइगर, लेपर्ड और इंडियन वाइल्ड डॉग दोस्तों। तो देखो ये रहा मेरा लेपर्ड, ये दोस्तों रॉयल बंगाल टाइगर हो गया मेरा, और ये दोस्तों वाइल्ड डॉग हो गया। तो सारी चीज पता लगी, कितना आसान है दोस्तों, ठीक है। ये मेरा टाइगर हो गया दोस्तों, चीता जिसको बोलते हैं हम, लेपर्ड जिसको बोलते हैं, सॉरी लेपर्ड है ना, लेपर्ड, और ये मेरा होगा रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। ओके क्लियर है, कोई दिक्कत, चलो फिर आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है मेरा दोस्तों गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, सबसे पहले तो दोस्तों ये है गुजरात में मेरा, है ना, गुजरात में देख लेते हैं इसकी लोकेशन दोस्तों। ये है मेरा गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पता लग गया आपको, ये है मेरा दोस्तों गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसकी लोकेशन है दोस्तों गुजरात में। और यहाँ पे क्या मिलता है दोस्तों, सिंगल होम फॉर प्योर एशियाटिक लायन, इंडियन लायंस फेमस फॉर स्पीसीज लाइक स्लोट बियर, है ना, और ये यहाँ पे स्लोट बियर भी आपको मिलती है दोस्तों, हेज हॉग भी मिलता है, जंगल कैट भी यहाँ पे मिलेगी दोस्तों, स्ट्रिप्ट हाइनाज भी यहाँ पे मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे पहले तो इसकी लोकेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों कहाँ पे, गुजरात में है, और यहाँ पे क्या क्या मिलेगा दोस्तों मेरे को, मिलेगा देखिए एशियाटिक लायन मिलेंगे, ये है मेरे दोस्तों एशियाटिक लायन, क्या है मेरे, एशियाटिक लायन है दोस्तों, वाइल्ड कैट मिलेगी यहाँ पे, जंगली बिल्ली देख रहे हो, जंगली बिल्ली है दोस्तों। उसके बाद में और क्या था दोस्तों, स्लोथ बियर यहाँ पे मिलेंगे, है ना, हेडहॉग मिलेगा, देखो ये है स्लोथ बियर आपको यहाँ पे मिलते हैं, स्लोथ बियर मिलेंगे, हेडहॉग यहाँ पे मिलेंगे। तो काफी स्पीसीज हैं जो यहाँ पे मिलती हैं दोस्तों। यस बिल्कुल, ये यूजीसी का पार्ट है दोस्तों, बिल्कुल यूजीसी का पार्ट है, 100% यूजीसी का पार्ट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको आप अच्छे से कवर कीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों मेरा आचार पेरियार नेशनल पार्क, और पेरियार नेशनल पार्क दोस्तों कहां पे स्थित है, ये है मेरी कार्डमम हिल्स में। कार्डमम हिल्स कहां पे दोस्तों, ये है केरला में दोस्तों, और वन ऑफ द 30 टाइगर रिजर्व इंडिया, ये एक टाइगर रिजर्व भी है दोस्तों पेरियार नेशनल पार्क, है ना। तो देखते हैं पेरियार नेशनल पार्क कहां पे है दोस्तों, ये देखो ये रहा मेरा दोस्तों पेरियार नेशनल पार्क, कहां पे है, केरला में है मेरा पेरियार नेशनल पार्क, नीचे नीचे। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे अराउंड 70% ऑफ एरिया इज वेल कवर्ड बाय एवरग्रीन फॉरेस्ट, कोबरा यहाँ पे मिलता है दोस्तों, बिगेस्ट स्नेक सीन हियर, इंडिया का सबसे बड़ा जो सांप मिला है दोस्तों मेरा पेरियार नेशनल पार्क में मिला है, अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन एलिफेंट एंड बर्ड्स लाइक डार्टर्स, किंगफिशर्स,
मालाबार होल्डबीन्स आर आल्सो टू बी टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ इन द केरला, है ना। यहाँ पे सारी चीजें आपको मिलती है, किंग फिशर मिलता है, मालाबार हॉर्नबिल मिलती है। यहाँ पे हॉर्नबिल दोस्तों एक बर्ड होती है, बहुत ब्यूटीफुल बर्ड होती है, ये नागालैंड की दोस्तों स्ट्रीट बर्ड है, ठीक है। हॉर्नबिल, हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों? हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में, तो बहुत सेक्रेड ये एनिमल होता है नागालैंड में, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें मिलती है। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा सांप यहाँ पे मिलता है, जियांट कोबरा यहाँ पे मिलता है ना। इंडिया का सबसे बड़ा, आज तक का सबसे बड़ा सांप दोस्तों यही देखा गया, कहाँ पे? पेरियार नेशनल पार्क के। यहाँ पे एलिफेंट भी आपको मिलते हैं। उसके बाद में दोस्तों ये है मेरा हॉर्नबिल, देखिए हॉर्नबिल, देखो ये देखो मेरा हॉर्नबिल, देखिए आपको हॉर्नबिल बर्ड दिख रहा है ना दोस्तों, ये मेरा है हॉर्नबिल, इसको याद रखना है, भूलना नहीं है, सभी को इसको याद रखना है दोस्तों, ये है मेरा हॉर्नबिल, ठीक है। और मालाबार, ये आपने एक बर्ड और बताया था मैंने, मालाबार हॉर्नबिल मिलता है दोस्तों, ये आपने देख लिया दोस्तों। किंग फिशर आपको मिलता है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बहुत बहुत ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटी आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे? पेरियार नेशनल पार्क में दोस्तों। उसके बाद में चलते हैं दोस्तों रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रणथंभौर दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? ये है हमारे राजस्थान में, है ना। और दोस्तों ये है राजस्थान में और रैंक एज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट रेपुटेड नेशनल पार्क इन इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपके निकल सकते हैं। रैंक एज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट रेपुटेड नेशनल पार्क इन इंडिया दोस्तों, कहां पे है? देखिए ये रहा मेरा राजस्थान में। रणथंभौर नेशनल पार्क कहां पे है दोस्तों? राजस्थान में है। कहां पे है? राजस्थान में है दोस्तों। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट रेप्यूटेड नेशनल पार्क इन इंडिया है दोस्तों। रणथंभौर फोर्ट है इसमें दोस्तों, इनसाइड द पार्क हेंस इज कॉल्ड नेम। इसका नेम क्यों पड़ा है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे एक फोर्ट है, यहाँ पे एक फोर्ट है दोस्तों, राजपूत राजा हुआ करते थे, है ना, उनका ये फोर्ट हुआ करता था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हिस्टोरिकली भी काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो मेजर वाइल्ड एनिमल क्या क्या मिलते हैं? हाइना मिलता है दोस्तों, वाइल्ड बोर मिलता है और सामर डियर मिलती है। क्या क्या मिलता है? हाइना मिलती है, वाइल्ड बोर मिलता है और सामर डियर यहाँ पे मिलती है दोस्तों। तो देखते हैं, ये देखो सिका सांबर डियर भी यहाँ पे मिलती है। सांबर, सांबर कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान में एक जगह है सांबर डियर, है ना। और वाइल्ड बोर भी यहाँ पे मिलती है, वाइल्ड बोर भी आपको यहाँ पे मिलती है। तो ये सारे के सारे जो मेन मेन एनिमल है दोस्तों, हाइना यहाँ पे मिलता है आपको, तो काफी इंपोर्टेंट है ये, बहुत सारा फ्लोरा एंड फौना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गाइस। अब उसके बाद दोस्तों हमारा आता है हेमिस नेशनल पार्क। क्या आता है हमारा? हेमिस नेशनल पार्क। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग प्लीज वीडियो को शेयर करो, प्लीज एक बार वीडियो को शेयर करो यार। और सभी लोग मेरे को बताइए आपको लेसन कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो यार थम्स अप कर दो एक बार, प्लीज सभी लोग लाइक कर दो और फिर शेयर कर दो दोस्तों। उसके बाद हम पढ़ते हैं दोस्तों हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है दोस्तों? ये आपको नाम सुनते ही पता लग गया होगा कि ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले एरिया में हाई एल्टीट्यूड पार्क है दोस्तों ये। और ये है कहाँ पे? मेरा लद्दाख वाले एरिया में, यानी जम्मू कश्मीर में। पहले दोस्तों ये जम्मू एंड कश्मीर आता था, आजकल लद्दाख है दोस्तों, अलग से क्या बना दिया गया है? यूटी बन गया है। तो ये कहाँ पे है? अभी लद्दाख में आता है। इसकी लोकेशन देख लेते हैं दोस्तों। ये है मेरा दोस्तों हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, है ना। ये सबसे हाई एल्टीट्यूड पे दोस्तों नेशनल पार्क है हमारा। मेरा कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क दोस्तों, इसका देखते हैं। ये है देखो सबसे ऊपर जो मेरा नेशनल पार्क है दोस्तों, हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखना है, भूलना नहीं है कभी भी इसको दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे क्या क्या मिलेगा दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, इंडियाज लार्जेस्ट नेशनल पार्क है दोस्तों। होम फॉर नंबर ऑफ एंडेंजर एनिमल्स इंक्लूडिंग इंडियन स्नो लेपर्ड। यहाँ पे बहुत सारे एंडेंजर एनिमल्स मिलते हैं, जैसे स्नो लेपर्ड, ये सारे मिलते हैं। इसके बाद में यहाँ पे एक क्या मिलता है दोस्तों? बिग फ्लाइंग प्रेडेटर लाइक गोल्डन ईगल भी यहाँ पे मिलता है, वल्चर भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। और यहाँ पे मेन मेन इंपॉर्टेंट दोस्तों सबसे ज्यादा क्या है? टिबेटन वुल्फ भी मिलेगा आपको, यानी ना ब्राउन बोर और रेड फॉक्स भी आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। तो क्या क्या मिलेगा ये देखो, गोल्ड ईगल मिलेगा, गोल्डन ईगल मिलेगा, वल्चर आपको देखने को मिलते हैं, टिबेटियन वुल्फ आपको देखने को मिल सकती है दोस्तों, ब्राउन बियर आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है ना। और ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है दोस्तों, और भारत में सबसे हाई अल्टीट्यूड पे ये नेशनल पार्क है गाइस, है ना। तो ये है मेरा हेमिस नेशनल पार्क। अब उसके बाद में चलते हैं आगे। उसके बाद में देखो ये मिल गया मेरा, ये जो जो मैंने आपको एनिमल बताए थे सारे के सारे, देखो दोबारा से बता देता हूँ, गोल्डन ईगल, वल्चर, तिब्बतियन वुल्फ, है ना। देखो ये तिब्बतियन वुल्फ है दोस्तों, ये तिब्बतियन वुल्फ होते हैं, भेड़िया जिनको बोलते हैं हम, है ना। रेड फॉक्स यहाँ पे मिलती है, है ना। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी दोस्तों। ये रेड फॉक्स देख लो मेरी, है ना, वल्चर ये हो गया मेरा, मैंने बताया था आपको वल्चर,
रेड फोक्स है ना, तिब्बतियन वुल्फ। तो क्लियर है सभी को? ठीक है, नम आगे चलते हैं दोस्तों। अब मेरा है सरिस्का नेशनल पार्क। अभी सरिस्का नेशनल पार्क दोस्तों कहां पे है? ये है दोस्तों राजस्थान में। देखो ये है मेरा सरिस्का नेशनल पार्क, दिख रहा है ना आपको सरिस्का नेशनल पार्क, ये दोस्तों ये इसकी लोकेशन। ठीक है, याद आ गया दोस्तों, सरिस्का राजस्थान में है, राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। ओके गाइस, तो देखो सरिस्का के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ये राजस्थान में है दोस्तों, लोकेटेड इन रॉयल राजस्थान। 22 पेयर ऑफ दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंक्लूड रॉकी लैंडस्केप, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पे मिलते हैं, हिली मिलता है दोस्तों, अरावली जो रेंज है दोस्तों वो इससे गुजरती है, अरावली रेंज भी यहाँ पे मिलती है आपको। क्या मिलता है दोस्तों? अरावली रेंज मिलती है। ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है दोस्तों, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है ये। अरावली रेंज क्या है? ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है गाइस। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे कुछ जंगली जानवर भी मिलते हैं, जैसे फोर हॉर्न एंटीलोप, चिंकारा, वाइल्ड बियर, प्लेंटी ऑफ बर्ड्स मिलता है, यूनिक रेप्टाइल्स, बिग स्नेक, लिजार्ड्स भी यहाँ पे मिलती हैं, और यहाँ पे बहुत सारे रेयर फीडर स्पीसीज मिलते हैं, लाइक ग्रे पेट्रीज, व्हाइट ब्रिस्ट कैट, किंगफिशर, गोल्डन बैक वुड पैकर है ना, सैंड गूज यहाँ पे मिलते हैं। तो ये सारे के सारे एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं, देखते हैं दोस्तों। ये देखो यहाँ पे टाइगर भी मिलते हैं दोस्तों, ये देखो ये टाइगर भी मिलता है सरिस्का में, ये आपको याद रखना। देखो ये डियर भी मिलता है यहाँ पे, ये मिलता है, मोर मिलते हैं दोस्तों, डियर, सारी चीजें यहाँ पे मिलती हैं, कैट भी यहाँ पे मिलती है, वाइल्ड कैट भी। तो ये सारे कहाँ पे मिलते हैं दोस्तों? सरिस्का नेशनल पार्क में मिलते हैं, आपको याद रखना है। इसकी लोकेशन मैंने आपको बताया राजस्थान में है दोस्तों, सरिस्का नेशनल पार्क मेरा गाइस। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलने की देखने के लिए, सारे के सारे एनिमल्स, सारे के सारा फ्लोरा और फौना यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इसलिए प्लीज फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को शेयर करो, बराबर शेयर करो दोस्तों, शेयरिंग में कोई कमी नहीं आनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों मेरा बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पे है? जैसे आप सभी को पता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क है मेरा दोस्तों मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है मेरा? मध्य प्रदेश में। इसकी लोकेशन देख लेते हैं दोस्तों, ये है मेरा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये है मेरा दोस्तों एमपी में। कहाँ पे है? एमपी में है दोस्तों। यहाँ पे टाइगर्स की पॉपुलेशन काफी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। देखो ये देखो टाइगर दिख रहा ना आपको, लोकेटेड इन उमरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश ना। बांधवगढ़ वर डिक्लेयर नेशनल पार्क इन 1968 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था, और 105 किलोमीटर का इसका एरिया दोस्तों है ना, और ये आपको ध्यान रखना है। द डेंसिटी ऑफ टाइगर पॉपुलेशन एट बांधवगढ़ इज वन ऑफ द हाइएस्ट नोन इन इंडिया। मैंने आपको बताया था हाइएस्ट डेंसिटी मिलती है किसकी? टाइगर की। हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर, हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर मिलती है आपको बांधवगढ़ नेशनल पार्क में दोस्तों। क्लियर है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क की लोकेशन ये मैं बता चुका हूं। उसके बाद दोस्तों मेरा है बांदीपुर नेशनल पार्क। उसके बाद मेरा क्या है दोस्तों? बांदीपुर नेशनल पार्क है, और ये बांदीपुर नेशनल पार्क कहां पे है दोस्तों? लोकेटेड इन द साउथ इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका। कहां पे है दोस्तों? लोकेटेड इन द साउथ इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका दोस्तों। ये है मेरा साउथ इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका, यानी कर्नाटका में दोस्तों ये लोकेटेड है। ये है मेरा बांदीपुर नेशनल पार्क दोस्तों ना। तो ये लोकेटेड इन साउदर्न स्टेट ऑफ कर्नाटका, इट वॉज वंस अ प्राइवेट हंटिंग रिजर्व फॉर द महाराजा ऑफ किंगडम ऑफ मैसूर। ये मैसूर के जो महाराज होते थे उनका प्राइवेट हंटिंग रिजर्व होता था दोस्तों। पहले राजा महाराजा क्या करते थे, उनको शिकार का बड़ा शौक होता था, जानवरों को वो मारा करते थे अपने शौक पूरे करने के लिए दोस्तों। तो उनका एक प्राइवेट हंटिंग प्लेस हुआ करता था है ना। इसमें क्या क्या मिलता है दोस्तों? यहाँ पे लेपोर्ड मिलेगा आपको, एलिफेंट मिलेगा, स्लोथ बियर मिलेगी, वाइल्ड बोर मिलेगा, वाइल्ड डॉग्स आपको मिलेंगे। तो काफी फ्लोरा एंड फना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों है ना। तो आपको बहुत अच्छे से इसको याद रखना है, इसकी लोकेशन याद रखना है, क्या क्या जानवर यहाँ पे मिलते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। ठीक है गाइस, तो बांदीपुर नेशनल पार्क ये बहुत अच्छा है कर्नाटका में, याद रखा। उसके बाद में दोस्तों ब्लैक बक नेशनल पार्क। ब्लैक बक नेशनल पार्क दोस्तों कहां पे है? ये मेरा गुजरात में स्थित है दोस्तों। गुजरात में कहां पे है? भावनगर डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों है ना। तो देखो गुजरात में स्थित है और भावनगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है दोस्तों। वेलावदार ये वाला, इसको हम आप क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं हम ब्लैक बक नेशनल पार्क। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं ब्लैक बक नेशनल पार्क। ब्लैक बक नेशनल पार्क, क्या बोला दोस्तों मैंने? ब्लैक बक नेशनल पार्क इसको बोला है दोस्तों है ना। तो ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? गुजरात के भावनगर डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों ये अवस्थित है ना। इट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 34 किलोमीटर में दोस्तों है ना। और यहाँ पे दोस्तों एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर क्या मिलता है? विधि। क्या मिलती है दोस्तों? विधि क्या है? विधि एक ग्रास लैंड है। क्या है? ग्रास लैंड है दोस्तों यहाँ पे मिलती है, ऑफ महाराजा ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ भावनगर।
यहाँ पे क्या मिलता है दोस्तों, ब्लैक बक मिलता है, इसलिए इसका ब्लैक बक नेशनल पार्क नाम है दोस्तों। ये क्या है मेरा ब्लैक बक, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लैक बक इसको हम बोला करते हैं दोस्तों, है ना। यहाँ पे बुल्स मिलते हैं, यहाँ पे हाउबोरा बस्टर्ड मिलता है, यहाँ पे हाइनाज भी मिलते हैं, लेसर फ्लोरिकन्स मिलती हैं, फोक्सेस मिलते हैं, जैकोल्स मिलते हैं, जंगली बिल्लियां यहाँ पे मिलती है ना, और मेनली यहाँ पे क्या मिलता है, कार्निवोरस स्पीसीज आपको यहाँ पे मिलेंगी दोस्तों, कार्निवोरस स्पीसीज आपको यहाँ से मिलेंगी। और देखो ये है इसकी लोकेशन, वेलावदार नेशनल पार्क भी इसको बोलते हैं गाइस। उसके बाद में दोस्तों मेरा है सबसे इंपोर्टेंट दोस्तों कॉर्बेट नेशनल पार्क, है ना, इसके बारे में मैंने आपको बता चुका हूं दोस्तों, कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में, इसको हम हेमिस नेशनल पार्क भी बोलते हैं दोस्तों, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें मिलती है दोस्तों। ठीक है गाइस, तो ये था आज का सेशन आपका, है ना। एक बार मेरे को सभी लोग कमेंट करके बताइए गाइस कि आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है, आपको सेशन कैसा लगा प्लीज सभी लोग मेरे को बताइए, है ना। और आपको अगर मुझे फॉलो करना है तो टेलीग्राम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से आपके जो भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हो दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आज आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है 11:30 बजे, ठीक है, अदिति मैम के साथ, जिसमें मैं अपनी जीआरएफ जर्नी आपके साथ में साझा करने वाला हूँ। बहुत मोटिवेशनल, बहुत अच्छा सेशन होगा दोस्तों। आज पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, आज कुछ हटके बात करेंगे हम मोटिवेशन की। मैं आपको मेरी जर्नी बताऊंगा कि कैसे मैंने जीआरएफ क्लियर किया, अदिति मैम भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगी आपके साथ में, तो बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। आप सभी लोग इस सेशन को अटेंड कीजिए 11:30 बजे गाइस। ओके गाइस, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस। एक बार मेरे को सभी लोग बताइए, अपना रिव्यू दीजिए दोस्तों कि कैसा लगा आपको सेशन, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो यार एक बार शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो प्लीज, जितने भी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों, मैक्सिमम लोगों तक ये सेशन जाना चाहिए, है ना गाइज। ओके गाइज, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, इसको कुछ नहीं समझ में आया आप मेरे को पूछ लेना। ये पार्ट फर्स्ट था दोस्तों, पार्ट सेकंड हम जल्दी ही इसका करने वाले हैं। ये पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकंड इसका जल्दी ही करेंगे दोस्तों, कुछ रह गए हैं उस पार्ट सेकंड में कवर करेंगे, ये पार्ट फर्स्ट था गाइज। तो एक बार फिर से थम्स अप कर दो कि कैसा लगा आपको, अच्छा लगा तो थम्स अप कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों, और फिर मिलते हैं हम कल नेक्स्ट सेशन में दोस्तों।